दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों की। भारत में कुल 31 कृषि क्रांतियों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं हूँ आपका दोस्त गोपाल, और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी विद मस्ती यूट्यूब चैनल में। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के 2 सेकंड बाद एक बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन आएगा, उस पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। उससे होता है दोस्तों कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। सबसे पहली कृषि क्रांति की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति 1966-67 में आई थी, और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए इस क्रांति का अहम योगदान था। और इसके जो अग्रदूत माने जाते हैं वो है M.S. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का बहुत बड़ा इसमें रोल था। दूसरी जो क्रांति है, अच्छा दोस्तों एक बात ये दिखा दूँ कि मैंने इस वीडियो में जो डेट है या सन है और बहुत सारी क्रांतियों के जो अग्रदूत है वो मैंने बहुत कई अलग अलग जगह से वो कंट्रीब्यूट किया है और यहाँ पर डाला है। तो ये जो सारी चीज़ें वीडियो में दिखाई गई है ये सब एक साथ आपको मेरे ख्याल से नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ निकाल के मैंने यहाँ पर डाली है। दूसरी क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो हुई थी वो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हुई थी, और इसके जो अग्रदूत थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तीसरी जो क्रांति वो पीली क्रांति। पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए ये क्रांति हुई थी। चौथी क्रांति भूरी क्रांति है, जो कि उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए या उससे संबंधित मानी जाती है या है। नीली क्रांति, पांचवी की बात करें तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मच्छी उत्पादन से संबंधित है, और इसके जो अग्रदूत माने जाते हैं अरुण कृष्णन इसके अग्रदूत हैं। छठी जो क्रांति है वो है टमाटर या मांस उत्पादन से, और ये क्रांति का नाम है लाल क्रांति। लाल क्रांति के जो अग्रदूत माने जाते हैं वो विशाल तिवारी माने जाते हैं। सातवीं जो क्रांति है वो गुलाबी क्रांति है, जो कि झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, और इसके जो अग्रदूत माने जाते हैं वो दुर्गेश पटेल हैं। आठवीं जो क्रांति है बादामी क्रांति है। बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। नौवीं जो क्रांति है स्वर्णिम सुनहरी क्रांति, स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति। ये जो क्रांति है ये फल उत्पादन बढ़ाने के लिए की हुई थी, और निरपक तुतेज 2005-06 में ये क्रांति हुई थी, और निरपज तुतेज इसके अग्रदूत माने जाते हैं। दसवीं जो क्रांति थी रजत या सिल्वर क्रांति, जो कि अंडा उत्पादन से हुई थी, और ये इंदिरा गांधी के समय हुई थी। अगली जो क्रांति है वो है कृष्ण क्रांति, और कृष्ण क्रांति जो हुई थी वो बायोडीजल उत्पादन के क्षेत्र में हुई थी, जिससे बायोडीजल की उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अमृत क्रांति, अगली क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, जो कि अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, जिसमें नदियों को एक नदी से दूसरी नदी से जोड़ दिया जाता है। अगली क्रांति है काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने से संबंधित थी। अगली है गोल्डन फाइबर क्रांति, जो कि जूट उत्पादन बढ़ाने से रिलेटेड थी। 15वीं क्रांति की बात करें तो स्वर्ण क्रांति, जो कि फल और शहद उत्पादन से संबंधित थी। अगली है सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति जो थी वो कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए हुई थी। सदाबहार क्रांति, जो कि कृषि से या जैव तकनीकी से संबंधित है। अगली जो क्रांति है धूसर या स्लेटी क्रांति, जो कि सीमेंट उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में हुई थी। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए एक क्रांति हुई थी, जो कि इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से जानी जाती है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु किया जाए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का तीव्र विकास हो सके। सेफ्रॉन क्रांति जो हुई थी वो केसर उत्पादन से हुई थी, और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि केसर उत्पादन का एकमात्र जो राज्य है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर केसर उत्पादन होता है या केसर का उत्पादन होता है। अगली जो है क्रांति 22 नंबर की जो स्लेटी या ग्रे क्रांति है, जो कि उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है, या उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के क्षेत्र में स्लेटी क्रांति हुई थी। खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है भारत में कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से, ये क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यही चर्चा में है, क्योंकि इससे इसमें कृषकों की जो आय है उसकी दुगनी करने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया है, और इस पर काफ़ी योजनाएं चल रही है और समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, खाद्य श्रृंखला क्रांति किस क्षेत्र के लिए है और इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट गोल्ड क्रांति की। तो व्हाइट गोल्ड जो क्रांति है वो कपास उत्पादन से है, और ये कपास उत्पादन की तीसरी क्रांति है। 25वीं जो है ग्रीन गोल्ड क्रांति, जो कि चाय उत्पादन से है संबंधित है। और 26वीं जो क्रांति है वो खाकी क्रांति, खाकी क्रांति जो हुई थी वो चमड़ा उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में हुई थी। अगली है परामनी क्रांति, जो कि भिंडी उत्पादन से संबंधित है, या भिंडी उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। और हमारी अगली जो क्रांति है वो मूंग क्रांति, मूंग जो क्रांति हुई थी वो मोटे अनाजों से उत्पादन बढ़ाना, या मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाना से संबंधित थी। अगली जो क्रांति हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन बढ़ाने से हुई थी, और ये लगभग 2011 में, इसका कोई डाटा मेरे को मिला नहीं है, लेकिन जो बांस रोपण जो दिवस वर्ष जो घोषित किया 2011 किया गया, तो ये क्रांति लगभग 2011 में ही से ही हुई होगी। और दोस्तों 2011 में हुई थी, ये उत्पादन थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ पर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये उत्पादन है, उत्पादन नहीं। अगली जो क्रांति है दोस्तों वो है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति जो हुई है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से, सदाचार पैदा करने का मतलब यहाँ पर है कि इथिक्स, जो नैतिक शास्त्र है, जो नैतिकता हमारे अंदर है, उसको पैदा करने के लिए गंगा क्रांति की गई थी। ये एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और राजनेता के लिए, ये आम मनुष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, लेकिन ये प्रशासन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सदाचार पैदा करने के लिए ये क्रांति हुई थी। अगली क्रांति, अंतिम क्रांति जो NH3 है, NH क्रांति को नाम NH3 सॉरी NH क्रांति जो 31 नंबर पर आती है, और ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से भी जानी जाती है। इसमें क्या है कि देश के चारों कोने के जो चार महानगर है उनको एक दूसरे से जोड़ा गया था, और ये क्रांति की जो जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। और ये प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, या 2001 में शुरू की गई थी, और इस क्रांति को अब तक पूरा कर लिया गया है। दोस्तों ये थी 31 क्रांतियाँ भारत की, जो कि पूछी जाती है अक्सर एग्जामों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर इसके अलावा कोई क्वेरी आपकी बचती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे पाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।